137 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन बनेगा? पार्टी के भीतर इस सवाल के जवाब पर महामंथन शुरू हो चुका है। इसी हफ्ते अगले कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाएगा। इस बीच खबर आई है कि पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी तमाम कांग्रेसियों से गुजारिशों के बावजूद वापसी को राजी नहीं हुए। मीडिया रिपोर्ट्स ने कांग्रेस के आंतरिक सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है कि राहुल ने पार्टी नेताओं की पेशकश ठुकरा दी। अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पहले ही स्वास्थ्य कारणों के चलते संभालने से इनकार कर दिया था। अधिकतर नेताओं के नजरे अब प्रियंका गांधी वाड्रा पर है, ताकि पार्टी की कमान गांधी परिवार के भीतर ही रहे। हालांकि प्रियंका कई मौकों पर पार्टी अध्यक्ष बनने से मना कर चुकी है। कांग्रेस पार्टी से एक धड़ा ऐसा भी है जो गांधी परिवार से इतर अध्यक्ष तलाश रहा है। परिवार के तीनों सदस्यों के इनकार के बाद आसार यही बन रहे हैं कि कांग्रेस को गैर गांधी अध्यक्ष मिलेगा। अगर इस महीने ऐसा होता है तो 24 साल बाद देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी गांधी परिवार के साए से दूर होगी। राहुल के इनकार से उन कांग्रेसियों को झटका लगा है जो गांधी परिवार के हाथ में ही पार्टी की कमान देखना चाहते थे। हालांकि राहुल ने सरकार के खिलाफ कांग्रेस के विरोध की कमान संभाल रखी है। अब गांधी परिवार के वफादारों का जोर प्रियंका को मनाने पर होगा। गैर गांधी अध्यक्ष के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कुछ और नामों पर विचार हो रहा है। 1998 के बाद से गांधी परिवार के सदस्य ही कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। पार्टी को रविवार में नए अध्यक्ष के चुनाव प्रक्रिया शुरू करनी थी, मगर सहमति के अभाव में कवायद खटाई में पड़ती दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी में नेतृत्व का संकट कई सालों से है। हाल के दिनों में ये संकट और गहराता ही गया है। चुनावों से लगातार हार और फिर बड़े बड़े नेताओं के छोड़कर चले जाने से कांग्रेस खासी कमजोर हो गई है। ऐसे में पार्टी के भीतर से ही नेतृत्व के खिलाफ पुरजोर आवाजें उठी। इसी साल मार्च में वरिष्ठ नेताओं से बातचीत में सोनिया ने राहुल और प्रियंका संग इस्तीफा देने की पेशकश की थी, मगर कांग्रेसियों ने दबाव डालकर अध्यक्ष चुने जाने तक बने रहने के लिए मना लिया। मई में उदयपुर में हुए चिंतन शिविर में कांग्रेस ने नया अध्यक्ष चुनने की समय सीमा भी तय कर ली है।